मैं हूँ प्रगति झा। भारत का संविधान बनाते समय भले ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने तमाम चिंतन मंथन और संशोधन कर संविधान की रचना की हो, लेकिन आज का संविधान में लिखी बातों पर कितना अमल हो रहा है यह किसी से छिपा नहीं है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए क्या बोले हैं शहर के कुछ गणमान्य, आइए सुनते हैं उनकी बात। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या कहना चाहेंगे 26 जनवरी के उपलक्ष्य में? मैं बरेली महानगर के सभी जनता को गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं बधाई देता हूं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनवाए गए लागू कराए गए संविधान में ये स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि समाज के सभी वर्गों के सभी धर्मों के लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करें। लेकिन बहुत मुझे कष्ट और दुख है कि वर्तमान में जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, इसके जो शीर्षस्थ नेता लोग हैं वो संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करके समाज का मन चैन खराब करके अपनी पार्टी का एजेंडा लागू कर रहे हैं और कभी जनगणना के नाम पे, कभी नागरिकता संशोधन, कभी कुछ, ये सब चीज़ें लाए के उलझाए हुए हैं। और जो इस देश की समस्याएं बेरोजगारी महंगाई भ्रष्टाचार उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि संविधान में कोई छेड़छाड़ ना करें, सभी धर्मों के और उनका पालन करके शांति बनाए रखने में सहयोग करें। कहना चाहेंगे 26 जनवरी के उपलक्ष्य में? सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपने पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और ख़ासतौर पर मैं संगठन जो चला रहा हूँ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी संगठन के पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ और क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो वाल्मीकि समाज है या सफाई कर्मचारी समाज है उसका काफ़ी स्तर पर शोषण हो रहा है। मैं समझता हूँ नगर निगाहों में अधिकांश पूरे प्रदेश के नगर निगाहों में 26 जनवरी के अवसर पर ये शपथ ली जाती है कि हम किसी का शोषण नहीं होने देंगे और जो भी अच्छे से अच्छे जो भाषा का उपयोग किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगले दिन 27 जनवरी को लोग भूल जाते हैं। प्रशासन जो प्रदेश में प्रशासन है नगर निकायों का वो फिर से पुनः वही काम करना शुरू कर देता है और जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनका शोषण शुरू करता है। आप क्या चाहेंगे? अब ये चाहेंगे क्योंकि शासनादेश जो ठेकेदारों का हुआ है उसमें 308 रुपये पर डे के हिसाब से 9000 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन ठेकेदारों द्वारा जो सबसे नीचा तबका है, जो एक सफाई से जुड़ा हुआ है, जो तमाम कूड़ा उठाता है, गंदगी उठाता है, उसको 4-5 हज़ार रुपये देकर उसको टहला दिया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा निहायत गलत बात है। कम से कम जो समाज का गरीब तबके के लोग हैं उनको तो न्याय मिलना चाहिए। क्या पैगाम देना चाहेंगे मुन्ना भाई, समाजवादी पार्टी के सीनियर पार्षद? हम तो सबसे पहले शहरवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहते हैं और साथ ही ये भी मांग करते हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की रचना की उसके साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है उस पे भी रोक लगना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा इस वक्त पूरे देश भर में NRCCA को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के किसी भी एक नुमाइंदे ने उन आंदोलनकारियों से जाके बात तक करने की कोशिश नहीं की है। वो लोग 24 घंटे खुले आसमान के नीचे प्रदर्शनकारी बैठे हैं, माएँ बहनें बैठी हैं, जबकि ये सरकार तो मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करती थी। और मैं तो एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये बात बात में हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जोड़ते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ हमारे देशवासियों को ये समझना चाहिए कि आखिर मुसलमान 370 का मामला हुआ उसने कोई रिएक्शन नहीं किया, बाबरी मस्जिद का फैसला आया कोई रिएक्शन नहीं किया, लेकिन जब उसे लगा कि हमें हमारे मुल्क से बाहर किया जा सकता है जिस तरीके से ये भ्रम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के अलग अलग विरोधाभासी बयानों ने पैदा किया, इनके तमाम नेताओं ने, अभी कल ही के एक भाजपा के MLA ने एक संख्या तक बता दी कि इतने लोगों को देश से बाहर भेजा जाएगा, तो ऐसे लोगों ने ऐसा माहौल पैदा किया तो मुसलमानों को लगा कि हमारे मुल्क से हमें बाहर भेजा जाएगा, इसलिए वो बाहर आए, ना कि 370 के लिए, ना 3 तलाक के लिए।
ना बाबरी मस्जिद के फैसले के लिए। गणतंत्र दिवस पर क्या चाहेंगे आप? हम यही चाहेंगे कि इस सरकार को ये चाहिए कि ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर उससे पहले पहले देश भर में जितने भी आंदोलन चल रहे हैं उन आंदोलनकारियों से बात करके उनको एक देश को एक मैसेज दें और उन्हें ख़त्म कराएं और ये काला कानून वापस दें।